इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी के भी कंप्यूटर को 2 सेकंड में खराब करना और 2 सेकंड में सही करना। ये वीडियो सिर्फ प्रैंक करने के लिए है, किसी के कंप्यूटर को सही में खराब करने के लिए नहीं है। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे किया जाता है। अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करिए और एंजॉय करिए, लेकिन सिर्फ फन के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करिए, अपने डेस्कटॉप पर न्यू पे जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके में एक्सटेंशन ना नजर आ रहा हो, पहले तो इसका कोई भी नाम रख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कंप्यूटर रख देता हूँ या चेक रख देता हूँ, कोई भी नाम रख दीजिए। और अभी इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल ही है, तो इसके लिए मैं एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ या कोई भी फोल्डर ओपन करके ऑर्गेनाइज पे जाइए, फोल्डर सर्च ऑप्शन पे जाइए, व्यू पे जाइए और हाइड एक्सटेंशन को अनचेक कर दीजिए। इससे आपकी फाइल का एक्सटेंशन आपको नजर आने लगेगा। अब देखिए इस फाइल का एक्सटेंशन .txt है, आप इसको दोबारा से रीनेम कर लीजिए और इसके .txt को .cmd या फिर .bat नाम से सेव कर दीजिए। ये आपसे कहेगा कि आप इसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, यस करिए, राइट क्लिक करिए, एडिट पर आइए और यहां पर लिखिए टास्क किल। ये कमांड है जिसकी हेल्प से किसी भी टास्क या प्रोसेस को किल किया जाता है। अब फोर्स पुलिस को किल करना है तो /f/im और फिर यहां पर आप अपनी किसी भी ऐसी exe जिसको आप किल करना चाहते हो उसको यहां पे लिख दीजिए। तो मैं यहां पर explorer.exe लिखूंगा। ये पूरे व्यू के लिए होती है, डेस्कटॉप पे आपको टास्क मैनेजर और जितना भी कुछ फाइल फोल्डर्स वगैरह नजर आते हैं ये सब explorer.exe ही के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैं इसको इतना लिख करके कंट्रोल एस कर देता हूँ और सेव करके अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरे डेस्कटॉप पर टास्क मैनेजर सहित टास्क बार सहित सारी चीजें गायब हो गई हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा और आप कोई भी की दबाओ, विंडोज ई दबाओ, कुछ भी करो, यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं इसको अब यहाँ पर कंप्यूटर पे कोई जनरल यूजर इस पे कोई भी काम नहीं कर सकता। इसके लिए इसको वापस सही करने के लिए ट्रिक क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करिए और फाइल पर जाकर के रन कमांड को ओपन कर लीजिए। यहां से आप टाइप करिए explorer.exe और ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका पूरा कंप्यूटर वैसे ही दिखने लगेगा। तो ये explorer.exe थी जिसके एंड प्रोसेस हो जाने से ऐसा होता है, ये देखिए। तो बड़ा ही आसान था, इस काम को कमांड की हेल्प से ऐसे किया जा सकता है। इसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पर भी ये कमांड चला देंगे तो इसी तरह से वर्किंग होगी। अब कोई अपने से तो इस पे क्लिक करेगा नहीं, तो उसके लिए इस फाइल को उठा करके आप ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करे करे स्टार्ट बटन पे आइए, ऑल प्रोग्राम्स पे आइए और स्टार्टअप नाम के फोल्डर पे ड्रॉप कर दीजिए। अगर ये ऐसे नहीं ओपन हो तो राइट क्लिक करके स्टार्टअप पे ओपन पे आइए और यहां से ड्रैग करके इधर कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर दीजिए। अब जब भी कोई इस कंप्यूटर पे लॉग इन करेगा तो उसके स्क्रीन से ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको लॉग ऑफ करके दोबारा इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ और ये UPLC अकाउंट है तो मैं लॉग ऑफ हो गया। अब मैं जैसे ही लॉग इन होऊंगा तो अपने आप सारी की सारी डेस्कटॉप की चीजें गायब हो जाएंगी, मतलब explorer.exe अपने आप किल हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, उसका एंड प्रोसेस हो जाएगा। तो ये देखिए अपने आप ये चल रही है, ठीक है, और ये एंड प्रोसेस हो गया। अभी इसको लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर explorer.exe को टास्क किल किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई देख भी ना पाए कि क्या कमांड चला गया, तो मैं टास्क मैनेजर पे आके पहले इसको सही करता हूँ। अब मैं एडिट करके इसको इको ऑफ कर दूंगा। इको ऑफ कमांड से कोई भी कमांड को चलते हुए नहीं देख सकता है, तो इसके लिए मैं ऑल प्रोग्राम्स पे स्टार्टअप को ओपन कर लेता हूं राइट क्लिक करके और राइट क्लिक करके इस चेक सीएमडी वाले बैच फाइल को एडिट करके यहां पर पहले इको ऑफ कर लेता हूं। उसके लिए
आपको एट द रेट ECHOOFF लिखना है और कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए। अब कोई भी यहां से लॉग ऑफ करने के बाद जब लॉग इन करेगा, तो ये अभी लॉग ऑफ हो रहा है, मैं अब इस पे क्लिक करके लॉग इन करूंगा और मैं फिर लॉग इन कर रहा हूं। इस बार हम कमांड को चलता हुआ नहीं देख सकते हैं, ये देखिए सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आई, कोई कमांड चलता हुआ किसी को नजर नहीं आएगा और ये स्क्रीन में सब गायब हो गया। तो दूसरों के साथ प्रैंक करिए लेकिन सावधानी के साथ।